जैसे कि ये आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप गिवन हो दिया हुआ है इसके अंदर। सो इसके अंदर बेसिकली ऑथर एंड उसकी फैमिली अभी कहाँ पे है, ये हमारा यूरोप है जो कि ग्रीन कलर के एरिया के अंदर है, और जो वो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे प्लाईमाउथ है, यहाँ पे ऑथर एंड उसकी फैमिली है अभी, और उसके बाद वो ये वाला पोर्शन कवर करके अफ्रीका के वो साउथ में आती हैं, यहाँ पे है कैप टाउन। एंड अभी उन्हें जाना कहाँ है, ये पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को कवर करने के बाद उन्हें यहाँ से ईस्ट में जाना है, यानी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के किसी पार्ट के अंदर जाना है। तो ईस्ट साइड उन्हें जाना है, मैप के अकॉर्डिंग दिस इज़ द ईस्ट साइड, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, जो ये वाला पोर्शन है ये है साउथ। तो यहाँ पर हमें जाना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शिप के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, बिकॉज चैप्टर में बहुत सारी जगह जैसे मस्ट है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। सो बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो शिप है उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जिससे जो सबसे ऊपर होता है दैट इज मेन हरिद्वार, एंड जो पूरी की पूरी शिप होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, इधर दैट इज मेन सेल, इसको हम सेल बोलते हैं, एंड ये होता है जिप, जिप सेल, यानी जो छोटे वाले सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं जिप। ठीक है, जैसे कि हो गया पोर्ट साइड, हो गया दिस स्टार पोर्ट साइड, वो हल, एंड सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो कि पूरा हो गया ये सी के अंदर होता है दैट इज की, ये हो गया उसका स्टर्न लास्ट वाला पार्ट दैट इज आउटेल एंड लो, एंड ये सबसे बड़ी जो उसकी शीट शीट होती है वो यहाँ पे वो हमें जैसे उनका पूरा का पूरा पोर्शन था। सो आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आने होगी। नाउ लेट्स गो फॉर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ वो पार्ट। We are not afraid to die if we can all be together by Jordan Cook and Alan East। तो जो ये वाले expressions इसमें given हैं ये आपको chapter के end के अंदर देखना है कि इनका मतलब क्या था। After reading the chapter you have to notice what these expressions means। So let's start our chapter। In July 1976 my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मैरी, मेरा सन जोनाथन जो कि 6 इयर्स का था, मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 इयर्स की थी, और मैं, हम सब ने एक सेल किया, मतलब एक वो एक शिप के अंदर उन्होंने यात्रा करना स्टार्ट की फ्रॉम प्लाईमाउथ, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को जैसे कॉपी करना उस यात्रा को, मतलब द राउंड द वर्ल्ड वॉयज की पूरे के पूरे विश्व का एक तरह से यात्रा करना और डुप्लीकेट करना, किसी को कॉपी करना, किसको कॉपी करना, जो कि मेड 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले जो यात्रा की थी उसी यात्रा को कॉपी करना। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our suffering skills in British waters। ki bahut zyada lambe time se mary aur main jo matlab writer hai wo 37 years old ka hai, old businessman, hum dono ne sapna dekha tha कि हम एक सेल करेंगे, हम एक जहाज को लेके जाएंगे ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड द फॉर द पास्ट 16 इयर्स, और पिछले 16 सालों से हमने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, लेजर टाइम, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, ऑनिंग अवर सीफरिंग स्किल्स। सीफरिंग स्किल्स का मतलब होता है अपनी समुद्री यात्राओं की जो स्किल्स हैं उन, अपने आप को सम्मान देने में, या फिर अपना टाइम हमने उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाया है इन ब्रिटिश वाटर्स, उस पानी में। अब अबाउट वेव वॉकर, अ 23 meter 30-ton वुडन हुल ब्यूटी, जो ओथर की जो बोट है उसका नाम क्या है, वेव वॉकर, वो 23 meter है एंड 30 जो टन है उसकी, इतना उसका वेट है, जो कि वुडन की लकड़ी की उसकी टोटल आउटर बॉडी है, हुल मतलब आउटर बॉडी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड
एंड वी हैंड स्पेंड मंथ्स वेटिंग इट, कि हमने उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार किया है कि बड़े से बड़े तूफान के अंदर भी उसकी टेस्टिंग की है एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, कि इसके अंदर ही किस तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं कि हमारे साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए वहाँ पे तो. द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट pleasantly as we sail down the west coast of Africa to Cape Town. जो हमारी पहली यात्रा थी वो एक 3 साल की हमारी प्लान्ड यात्रा थी जिसके अंदर हमने 105,000 किलोमीटर्स की एक यात्रा की थी जो कि हमारी बहुत अच्छी रही थी और हमने उस यात्रा में हम वेस्ट कोस्ट के अफ्रीका से गए थे कैप टाउन तक. मतलब ये दोनों भी प्लेसेस के नेम है कि उन्होंने आपको बस ये सारे के सारे चीज़ें आपको लर्न करनी है. जैसे कि जो बोट थी उसका नेम था वेव वॉकर, ठीक है, एंड उन्होंने जो अपनी सेल स्टार्ट की थी वो की थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. तो उन्होंने अपनी जो पहली यात्रा थी वो कहाँ से की थी, वेस्ट साइड अफ्रीका से लेके कैप टाउन तक. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 क्रूमैन अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हब सिगल टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन. कि जाने से पहले ईस्ट की तरफ उन्होंने क्या किया, अपने साथ 2 क्रूमैन ले लिए थे, एक तो अमेरिकन था लैरी विगिल एंड नेक्स्ट इज स्विस हब सिगलर, ये नेम है, ताकि वो ऑथर की हेल्प कर सके कि अगर वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा हमें वर्ल्ड के रफेस्ट जो समुद्र हैं उसके अंदर हमें टैकल करने के लिए जो कि साउथर्न इंडियन ओशन है. On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. कि दूसरे दिन ही Cape Town के हमें सामना करना पड़ा, encounter मतलब सामना करना पड़ा strong gales मतलब strong winds का, तेज हवाओं का. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me. कि लेकिन वो कुछ हफ्तों तक ऐसे ही कंटिन्यू रही और उन हवाओं ने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा. बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मैस्ट. कि जो लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक वो ऐसे ही चलती रही एंड उनका जो साइज है वो भी ऐसे ही बढ़ता रहा. उनका जो साइज था वेव्स का वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, वो चेतावनी देने वाला था 15 मीटर्स तक, और इतना ही ज़्यादा उनकी हाइट थी जितनी की हमारी मेन मेस्ट की हाइट थी. December 2025 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट विथ क्रिसमस ट्री. कि 25 दिसंबर को हमने 3500 किलोमीटर जो कि हम कैप टाउन से ईस्ट की तरफ चल पड़े थे, तो उस चीज़ के बावजूद डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर मतलब कि बहुत ज़्यादा होरिफाइंग वेदर, बहुत ज़्यादा डरावने वेदर के बाद भी हमारी जो हॉलीडे थी वो बहुत अच्छी तरह से स्पेंड हुई एक क्रिसमस ट्री के पास, एक क्रिसमस ट्री के साथ. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. और हमें लग नहीं रहा था कि जो नया साल है वो हमारा एक अच्छे वेदर के अंदर स्पेंड होगा. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. और हम ये रीज़न दे रहे थे कि अच्छा हो जाएगा, बट वो चेंज हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट तरह से चेंज हुआ. एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइजेनेटिक. एट डाउन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक. कि 2 जनवरी की मॉर्निंग में सुबह जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज की थी. दैट्स ऑफ ग्रेट साइज. वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉप जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. कि हम तब भी सेल कर रहे थे एक छोटी सी स्टॉर्म से जिप मतलब कि एक छोटी सी सेल के साथ, एंड हम अभी भी 8 नॉट्स बना पा रहे थे. एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस. और हम जैसे ही मतलब हम शिप की जैसे शिप ऊपर पहुंचती वेव्स के, तो हम देख सकते थे कि जो आगे हमारे समुद्र है वो बहुत ज़्यादा एंडलेस और बहुत ज़्यादा विशाल है. And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. And इतनी तेज़ हवाएं थी, पूरा का पूरा जो शोर था वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, पेनफुल था, कि हमें बहुत दुख हो रहा था देख के कि पता नहीं कब हमारा जो वेदर है वो अच्छा होगा. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy morning rock in a loop across the stern.
कि हमने जो बोट थी उसको मतलब स्लो करने के लिए थोड़ा सा हमने जो जिप मतलब जो स्मॉल जो सेल थी उसको हमने नीचे गिरा दिया एंड लेस्ट उसको एक बांध दिया, टाई कर दिया एक हैवी मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग क्या होता है घाट से रोप के इन अ लूप अक्रॉस द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के साथ उसे क्या कर दिया बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग और उसके बाद हमने अच्छी तरह से डबल तरह से उसने सब चीज़ों को टाई किया। वेंट थ्रू अवर लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल एंड जो हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी ड्रिल थी, जो हमारी लाइफ का जो बेड़ा था, अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन्स ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और हमने जितनी भी अगर हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो हमने सब की सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। उनके साथ हमने लाइफ लाइन्स को अटैच कर लिया था, हमने ऑयल स्किन्स की जो वो पहन ली थी एंड हमने लाइफ जैकेट्स को वहाँ रख लिया था और हम वेट कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस, कि जो पहली जो इंडिकेशन थी, पहली जो इंडिकेट किया डिजास्टर ने, जो सबसे बड़ा हमारे साथ एक त्रासदी होने वाली थी, इम्पेंडिंग का मतलब भी अबाउट टू हैपन, कि जो बस हमारे साथ होने वाली थी, 6 PM पे वो हुई एंड ओमनियस साइलेंस की चारों ओर बहुत ज़्यादा शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो विंड थी वो एकदम से जैसे हल्की हुई और जो पूरा का पूरा आसमान था वो काला हो गया। दे केम अ ग्रोइंग रोर और उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप एंड उसका एक बहुत बड़ा जैसे बहुत विशाल जो बादल था वो हमारे शिप के बिल्कुल ऊपर था। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और मुझे मैंने डरते हुए ये रियलाइज किया ये एक कोई बादल नहीं है, ये एक वेव है और मैंने जो लाइफ में इतनी बड़ी वेव कभी भी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बिल्कुल जैसे बिल्कुल वर्टिकल कैसे होता है, जैसे बिल्कुल ऐसे खड़ी थी इस तरह से, तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी वो वाला जो वेव थी और वो डबल थी जो कि यूजुअली जो हाइट्स की वेव्स होती हैं और एक बहुत ज़्यादा भयानक तरह से शिखा के साथ। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, जो हमारा डर था वो एक तरह से थंडर की तरह हो गया था। थंडर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चारों के चारों तरफ जो आवाज़ होती है तो वो एक तरह से बढ़ गई थी, चारों के चारों तरफ शोर बढ़ गया था। एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, जो स्टर्न था उसने क्या किया, जो वेव का फेस था उसकी तरफ हमने उसे मूव किया एंड एक क्षण के लिए हमें लगा कि हम अब इसी के ऊपर चले गए, हम मतलब वेव के ऊपर ही चले गए। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोशन शुक द डेक, और उसके बाद क्या हुआ, डेक मतलब अपर फ्लोर, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा तेज सा वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, कुछ वहाँ पे जैसे लाइट सी हुई। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक तरह से वहाँ पे टोरेंट आ गया, वहाँ पे कोलिजन सा हुआ ग्रीन और वाइट वाटर का शिप के ऊपर, और माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द व्हील्स, और मेरा जो सिर है वो इतनी बुरी तरह से वहाँ पे टकराया व्हील के ऊपर, और मुझे ध्यान है कि मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं एक तरह से मैंने उड़ रहा हूँ मैं ओवरबोर्ड के ऊपर और मैं वेव्स के नीचे एकदम से बह गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, कि मैंने अपनी जो डेथ थी उसको एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी डेथ बहुत ज़्यादा नियर है एंड मैं अपनी कॉन्शियस जो मैं अपनी चेतना थी उसको थोड़ा सा उसको मैंने फील किया था कि वो एकदम खत्म हो चुकी है और मैं थोड़ी सी शांति से ऐसे फील कर रहा था कि अब तो सब कुछ गया। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, और फिर एकदम से जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैंने अपना सिर बाहर निकाला। अ फ्यू मीटर्स अवे और कुछ दूरी के डिस्टेंस के ऊपर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मेस ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्ड थॉट आई ग्रैब्ड एंड गॉड रेल्स एंड सील्स थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर्स मेन बोम। उसके बाद मैंने देखा कि जो वेव वॉकर है वो उसका साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट से कैप्साइजिंग, ऐसे फील हुआ कि जो उनकी जो बोट है वो एकदम से पलट गई है, क्योंकि जो उनके मस्त थे जैसे जो उनके मस्तूल थे वो एकदम से क्या हो गए, वो सीधे होते हैं वर्टिकल होते हैं लेकिन वो पूरे के पूरे हॉरिजेंटल हो गए, वो बिल्कुल की लेट गए समुंदर में। और उसके बाद एक वेव आई जिसने उसे एकदम से खड़ा किया और जो मेरी जान है माई लाइफ लाइन
कि एकदम से सडन मूवमेंट हुई और मैं एकदम से ऐसे तन गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पकड़ा गार्ड रेल्स को, जिससे जो बाउंड्रीज होती है मैंने उनको ग्रैब किया, उनको पकड़ा एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर्स मेन बूम। जो वेव वॉकर जो कि बोट का जो मेन डोर था, मैंने उसके अंदर क्या किया, अपने आप को वहाँ पे सेल लगाने स्टार्ट की। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी एंड टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, कि बहुत सारी जैसे अलग अलग वेव्स आ रही थी और वो मुझे इधर उधर एक डॉल की तरह इधर उधर फेंक रही थी। द माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरे जो लेफ्ट रिब्स थे वो एकदम से उसमें क्रैक आ गया। मेरा मुंह फिल्ड विद ब्लड, उसमें पूरा खून आ गया एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। किसी न किसी तरह से मुझे एक पहिया मिला, मैंने स्टर्न को वहाँ पे नेक्स्ट कुछ वेव्स के लिए लगाया और मैं उसके ऊपर लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। हर जगह पानी ही पानी था, मैंने फील किया कि जो पानी जो शिप है उसके अंदर बहुत सारा पानी है ऊपर और नीचे, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं व्हील को, मैंने व्हील को कंटिन्यूसली पकड़े रखा और मैं ढूंढता रहा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच मतलब ओपनिंग ऑफ द शिप, वो एकदम से खुला और मैरी मुझे दिखी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, उसने ऐसे चिल्लाया। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि जो डेक्स है वो पूरी की पूरी तरह से टूट गया है और अब हम पूरे के पूरे पानी में हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, कि इस व्हील को पकड़ो, मैंने जैसे शाउट किया और मैंने फाइट किया मतलब हैच के लिए। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जो लैरी और हब थे वो एक तरह से ऊपर नीचे हो रहे थे बार बार पागल इंसानों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स क्रोकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर। ब्रोकन टिम्बर जो टूटी हुई लकड़ी थी वो भी अलग अलग एंगल्स के ऊपर जैसे टंगी हुई थी, पूरा का पूरा स्टारबोर्ड साइड था वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ घुस चुका था, कपड़े क्रोकरी चार्ट टिन टॉय सबके एक दूसरे के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पानी धुत पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रोल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा जैसे घूम तैरता हुआ और आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा। आई आस्क, येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने जैसे ऊपर से आंसर किया बेड से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा सा दर्द हो रहा था। सेड सुई, सुई मुझे बोल रही है कि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, कि उसकी आईज के ऊपर बहुत ज़्यादा गोला सा हो रहा है उसके आईज के ऊपर जिसे चोट लगने की वजह से। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, कि मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है कि मैं इन मतलब सिर के बारे में या फिर कोई भी वहाँ पे गोले के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में मैं अभी सोचूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास, इन तीनों चीज़ों के बाद हथौड़े स्क्रूज और कुछ कैनवास को ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, दोबारा से डेक पे पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, कि स्टारबोर्ड साइड को मैंने स्ट्राइक किया, बेस्ट मतलब स्ट्राइक बुरी तरह से उसके ऊपर मारा। वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और अब हम पानी को हर एक वेव के साथ बाहर निकाल रहे थे। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, मैंने सोचा अगर मैंने कुछ भी रिपेयर नहीं किया तो हम डेफिनेटली डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, मैंने किसी तरह से मैनेज किया कैनवास जो था उसको स्ट्रेच करने में, और वाटरप्रूफ हैच कवर्स थे मतलब लार्ज स्टील के कवर वाटरप्रूफ लगाए मैंने जहाँ पे भी बड़े बड़े होल्स थे जहाँ से इस शिप के अंदर पानी आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अंदर जा रहा था बट मोस्ट ऑफ इट वाज बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सारा पानी एक तरह से अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हेड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, जैसे यहाँ पे ना दो पंप्स की बात हो रही है, एक जैसे एक तो जनरली हैंड पंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जो इनके हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो गए थे क्योंकि इनमें मलबा भर गया था, डेब्रिस मतलब मलबा, और वो इधर उधर तैर रहे थे कैबिन्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या हो गया वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई थी। द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का लेवल था वो बुरी तरह से बढ़ चुका था।
Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. और फिर मैंने देखा कि जो हमारे पास extra hand pumps थे, उन वो मैंने deck पे जाके देखे, तो वो भी गिर चुके थे overboard, मतलब जहाज के बाहर वो जा चुके थे, वहाँ पे कोई hand pump नहीं थे. Along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor. और जो इस सबसे जहाज का सबसे important सामान था, sail था, jib था, dinghies थी, जो जहाज वो सारी के सारी जहाज के बाहर हो चुकी थी. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. फिर मुझे ध्यान आया कि चार्ट रूम के जो फ्लोर है, चार्ट रूम का फ्लोर मतलब जो जिस फ्लोर के ऊपर चार्ट लगा हुआ है, दैट इज चार्ट रूम, एंड उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पंप भी हमारे पास रखा हुआ है. आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप, मैंने वहां से एक आउट पाइप को कनेक्ट किया और मैं थैंकफुल हूँ इस बात का कि थैंक गॉड उसने वर्क किया. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो पूरी की पूरी रात थी वो हमारी इसी तरह से गई, ना बिना खत्म होने वाली कड़वी एक ठंडी रूटीन की तरह, जिसमें हम पंप करते रहे, व्हील को ठीक करते रहे और रेडियो के ऊपर वर्क करते रहे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स मतलब जब हम वक्त कहीं भी होते हैं, किसी भी शिप में होते हैं, तो हम सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे हमें जैसे सेविंग के लिए कि हमें बचा लो, तो वहाँ पे जो वो सिग्नल्स कॉन्टिन्यूसली रेडियो के थ्रू वो ट्राई कर रहे थे, उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और इसमें कुछ हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे संसार के एक छोटे से कॉर्नर की तरफ अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है. सुईज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, और जो सुई का जो हेड था वो बुरी तरह से उसमें मतलब वो फूल चुका था, स्वेलिंग हो चुकी थी उसमें. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. उसकी आईज थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब ऐसे पेन की वजह से, और उसने दिखाया कि उसे आर्म के अंदर एक कट भी लगा हुआ है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो अगर मैंने उससे पूछा, शी रिप्लाइड कि तुमने मुझे अब तक इतनी सारी इंजरीज तुम्हें हो चुकी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उसने बोला आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू When you were trying to save us all, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती जब आप ऑलरेडी हमें सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो. तो स्टूडेंट्स, हम अपने पार्ट वन में यहीं तक करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. बट स्टिल, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी